अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। राजवीर जी, अभी देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते हैं, अपनी बारात नहीं निकल पाते हैं। कई गांवों में तो ऐसा है कि अगर चौधरियों या ठाकुरों के गांव से भी उसमें से निकलते हैं तो चप्पलें उतार के उनके घरों के सामने से निकलना पड़ता है। तो क्या लगता है कि अगर ये बहन जी की सरकार आती है तो इस सब चीज़ों से आज़ादी मिल पाएगी? बात बहन जी की सरकार आने की नहीं है, बात यह है कि ये सरकारें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जाति और धर्म में हम लोगों को इस तरीके से बांटते हैं कि वो लोग तो सेफ रहते हैं, हम जो आपस में मिलके रहने वाले हैं गांव के, गली के, मोहल्ले के, उन लोगों में ऐसी द्वेष भावना भर देते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे ये गड़ा देते हैं। बहन जी से इसीलिए बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, उनको मालूम है कि ये दलित की बेटी है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे आती है तो संविधान के अनुसार सरकार चलाएंगी, जो इनके लिए खतरे की घंटी है, मेरे कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरा बहुजन जो है वो जाग जाएगा, पूरा देश जाग जाएगा। देश में कोई भी जाति, ये मेरी समझ में आज की तारीख में नहीं चाहती होगी गैर बराबरी की कहीं पर व्यवस्था हो, क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, वो जाति से और धर्म से ऊपर उठ गए हैं, ठीक है। बच्चे शादी करते हैं अपने साथ पढ़ने वालों के, अपने लेवल के, अपने तरीके से बच्चे शादी करते हैं, तो उनमें मेरे को नहीं लगता कि नहीं गैर बराबरी का हिस्सा कहीं है। गैर बराबरी का हिस्सा जो है वो कुछ लोगों के दिमाग की सोच है, ठीक है, और वो निश्चित तौर से ये दोनों पार्टियों में भरे पड़े हैं। जब तक ये लोग नहीं, हम इनको हटाएंगे, तब तक ये गैर बराबरी नहीं हटेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, अलायंस की सरकार अगर आती है, तो मैं निश्चित तौर से आपसे दावे से कहता हूँ कि संविधान वाली सरकार संविधान के लिए बनेगी, देश की सरकार देश के लिए नहीं बनेगी। जो सरकारें संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए वो सरकार बनेगी, लोगों को पता लगेगा कि सरकार नाम की वास्तव में ही कोई चीज़ होती है, जो कि इन्होंने सरकार को एक कंपनी बना दिया है, कंपनी की तरह सरकार को चला रहे हैं, दो लोग चलाते हैं, 5 लोगों के लिए चलाते हैं, टोटल 7 लोगों के लिए ये पूरा देश जो है अभी काम कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।